सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना फैक्सियो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो वीडियो का टाइटल देख के तो आप समझ गए हो कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने सुपर हीरो हल्क के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना। वैसे तो मुझे इस करेक्टर के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, मगर फिर भी मैं बता देता हूँ जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो स्टोरी कुछ इस तरह है कि जो ब्रूस बैनर नाम का एक साइंटिस्ट होता है जो गामा रेडिएशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और एक्सपेरिमेंट में हुई गलती की वजह से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। तो इस एक्सप्लोजन में ब्रूस बैनर की बॉडी गामा रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर लेती है, और जब भी उसे गुस्सा आता है तो वह एक ग्रीन कलर के मॉन्स्टर में बदल जाता है, जिसका नाम बाद में हल्क पड़ गया। तो अब बात कर लेते हैं हल्क की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। वैसे तो काफी यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर वीडियोस बना रखी हैं, मगर मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि कुछ पावर्स और एबिलिटीज रह गई थी जिन्हें मैं आज कवर करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना और बीच में स्किप मत करना। चलिए हल्क की पहली पावर के बारे में बात कर लेते हैं, जिसे सुनकर शायद आपको यकीन भी नहीं हो कि ऐसा कुछ हो सकता है, पर फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। तो पहली पावर कुछ ऐसी है कि अगर आप हल्क को पीसेस में काट के किसी बॉक्स में बंद करके रख दें तब भी वो नहीं मरेगा, चाहे कितने भी साल बीत जाए। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, अगर आपको यकीन नहीं है तो एक कॉमिक है इमोर्टल हल्क करके, एपिसोड 8 है उसका। उसमें आपको दिखाया जाएगा कि कैसे शैडो बेस में हल्क को पीसेस में काटा जाता है, उसे रखा होता है, तब भी वो बातें कर रहा होता है साइंटिस्ट से। और मैंने इस कॉमिक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, अगर जिसको यकीन नहीं है वो देख सकता है जाके। आइए अब हल्क की दूसरी पावर के बारे में बात कर लेते हैं। ये पहली पावर से कुछ मिलता जुलता है कि अगर आपने हल्क को पीसीज में काटा हुआ है तो वो दोबारा हील हो जाएगा, पहले की तरह ठीक हो जाएगा, मगर वो रीजनरेट नहीं करता। इसका मतलब बता देता हूँ मैं, अगर आपने पीसीज में काटा हुआ जैसे उसे, तो दोबारा हिस्से उसको जुड़ के वो ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने जो उसके हिस्से हैं उससे एक नया हल्क पैदा, वो रीजनरेट नहीं कर सकता, वो सिर्फ हील कर सकता है। और आपको अगर यकीन नहीं है तो सेम कॉमिक जो मैंने बताई थी इमोर्टल हल्क के एपिसोड 8 में ही आगे दिखाते हैं कि कैसे हल्क दोबारा हील हो जाता है, उस साइंटिस्ट को मार देता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जानते ही हैं, तो आप देख सकते हैं। चलिए अब हल्क की तीसरी पावर के बारे में बात कर लेते हैं, जो है हीलिंग फैक्टर के ऊपर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हल्क का हीलिंग फैक्टर बाकी सुपर हीरोज के हीलिंग फैक्टर से काफी अच्छा है, क्योंकि बहुत ही रेयर चांस होता है कि कभी हल्क को चोट लगती है। अगर लगती भी है तो वो चोट कुछ सेकंड या मिनट में ठीक हो जाती है, जैसे कि आपने मूवीज और कॉमिक्स में देखा ही होगा। मगर एंड गेम में हल्क को परमानेंट इंजरी इसलिए होती है क्योंकि वो इंफिनिटी स्टोन की वजह से होती है, और जो उनके मेकर्स है उन्होंने भी कह दिया है कि जो ये इंजरी है ये परमानेंट ही रहेगी, ये ठीक नहीं होगी। आइए अब बात कर लेते हैं हल्क की स्पीड के बारे में। आज तक आपने हल्क को तेज भागते हुए और लंबे लंबे जंप्स लगाते हुए देखा होगा, मगर क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हल्क भी लाइट की स्पीड से तेज भाग सकता है अगर वो चाहे तो। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक अवेंजर्स असेंबल पर एक शो आता है एनिमेशन, जिसमें दिखाया गया है कि एक एपिसोड में हल्क जो लाइट की स्पीड से भाग सकता है तेज अगर वो चाहे तो। आप पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं बता देता हूँ आपको इसके पीछे रीजन क्या है। आपने बेल्ट के बगैर भी वो मेरे किसी भी टेक्नोलॉजी से ज्यादा तेज है, ये तुम क्या कर रहे हो? स्पीड एनर्जी को कहीं तो इस्तेमाल करना होगा। हाँ, ये तो बेसिक लॉ है फिजिक्स का। ओ ये क्या, तुम कहीं जाके फटाफट फट क्यों नहीं जाते, और ये तुम कर कैसे रहे हो? हल्क हर रोज एनर्जी कंट्रोल करता है बच्चे। दूर हटो, उसे दूर हटो। हेलो हाइपेरियन, मुझे तुम्हारी ताकत चाहिए, मैं जल्दी आ रहा हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ रीजन कि हल्क स्पीड की लाइट कैसे अटेन कर सकता है वो चाहे तो। और अगर ऐसा है तो हमें मूवीज में आज तक दिखाया क्यों नहीं गया कि हल्क लाइट की स्पीड से तेज भाग रहा है। इसके पीछे दो थ्योरीज आती हैं। तो पहली थ्योरी ये है कि जो हल्क है जब वो भागता है तो जो अर्थ का सरफेस है जो इतना स्ट्रोंग नहीं है कि वो उसके फोर्स को सह सके, तो वो जहाँ भी पैर रखता है वहां से
जो सरफेस है वो टूट जाता, थोड़ा वो टूटने लगता है, इसकी वजह से जो है हल्क का बैलेंस नहीं बन, फिर वो लाइट की स्पीड को चेंज नहीं कर पाता है, या फिर जितनी देर वो भागना चाहता है उतनी देर नहीं भाग पाता। और अब दूसरी थ्योरी की बात कर लेते हैं, वो ये है कि अगर हल्क को लाइट स्पीड से तेज भागना है तो उसे पहले अपनी गामा एनर्जी को बहुत ही ज्यादा लेवल तक बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा करना पड़ेगा। इससे हो ये भी हो सकता है कि आसपास की जो चीज है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचे। और आपने जैसे देखा भी होगा, गूगल पे आप चाहे सर्च मार सकते हैं कि जो गामा रेज है वो लाइट की स्पीड अटेन कर सकती हैं। अब बात कर लेते हैं हल्क की स्ट्रेंथ के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हल्क जो है बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, और आपने एक एवेंजर्स के जो एपिसोड में भी दिखाया उसमें कि उसने कैसे पूरे न्यूयॉर्क को अपने ऊपर उठा लिया था उसे बचाने के लिए। साथ में वीडियो चल रही है, आप उसमें देख सकते हैं, वीडियो देख लीजिए, साथ में चल रही है, मैं आवाज कर देता हूँ। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और आपने इससे पहले वाली जो मेरी वीडियोस हैं अगर वो नहीं देखी है तो मैंने वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और अगले टॉपिक के लिए कमेंट करना ना भूले कि आप किस टॉपिक पे अगली वीडियो चाहते हैं। तो तब तक के लिए सी यू गाइस।